कोई फिल्म का अभिनेता अभिनेत्री चाहे कोई क्या बोलता है इसके लिए मैं कंसर्न। इनको पद्मश्री का सम्मान सिनेमा में काम करने के लिए दिया है, समाज सेवा के लिए नहीं दिया या राजनीतिक इतिहास के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीते दिनों पहले यह तक कह दिया था कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, देश को असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, जिसके बाद देश सहित पूरे बिहार की राजनीति जो है वो तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेता यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बीते दिनों पहले कंगना रनौत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ऐसे में उनका जो अवार्ड है वो वापस ले लेना चाहिए। इसी क्रम में जब आज हमने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की कि जिस तरह से कंगना रनौत ने जो बयान दिया है इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान से बचते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने तो वो पढ़िए। और मैं राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी करना चाहूँगा और राजनीतिक व्यक्तियों पर ही मैं अपने ध्यान को रखना चाहूँगा। कोई फिल्म का अभिनेता अभिनेत्री चाहे कोई क्या बोलता है इसके लिए मैं कंसर्न हूँ। उनको पद्मश्री का सम्मान सिनेमा में काम करने के लिए दिया है, समाज सेवा के लिए नहीं दिया या राजनीतिक इतिहास के लिए। वो रामविलास पासवान जी या मृदुला सिन्हा जी या तरुण गोगोई की जी की तरह नहीं मिला है। कोई अगर अभी अच्छा अभिनय करता है उसको पुरस्कार मिलता है, कोई अच्छा खेलता है उसको भी पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति क्या बोलते हैं उसके लिए, कोई सिनेमा में काम करने वाला क्या बोल रहा है इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। जिनको कोई काम नहीं है वह लोग सोचते हैं कि सिनेमा के हीरो हीरोइन के बारे में बोलने से उनको भी माइलेज मिल जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कंगना रनौत के बयान से कहीं ना कहीं बचते नज़र आ रहे हैं। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पद्मश्री सम्मान कंगना रनौत को मिला है वो उनके बॉलीवुड में बेहतर काम करने के लिए मिला है, ना ही वो किसी तरह की सामाजिक कार्यकर्ता है ना ही समाज सेवा करती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमाम देश सहित बिहार के राजनीतिक दलों के नेता यह मांग कर रहे हैं कि उनको पद्मश्री जो सम्मान मिला है वो वापस ले लेना चाहिए, ऐसे में कंगना रनौत भी अपने बयान पर अभी तक अडिग हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार समेत तमाम देश के राजनीतिक दलों के नेता यह मांग कर रहे हैं, ऐसे में अब केंद्र सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आपने बयान सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का, तो कहीं ना कहीं वो कंगना रनौत के बयान से बचते नजर आ रहे हैं और बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।